बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे हैं, एकजुटता की ताकत। और इसके लिए जो कहानी सुनाई जाती थी वो इस प्रकार थी कि एक लकड़ी सिंगल दी जाती थी और कहा जाता था कि आप इसे तोड़िए, और वो आसानी से टूट भी जाती थी। लेकिन जब उस लकड़ी का एक गट्ठा अगर इकट्ठा करके दिया जाए और उसे तोड़ने के लिए कहा जाए तो वो आसानी से टूटता नहीं था या टूटता ही नहीं था। जी हां, मैं इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं महाराष्ट्र के राजनीति में, जहां पर नागपुर में शीत सत्र का अधिवेशन जो है वो शुरू हो चुका है, उसका आगाज हो चुका है। दो दिन का कार्यकाल की समाप्ति भी यहां पर हो चुके हैं। शनिवार और रविवार की वजह से आज और कल कार्यवाही नहीं होगी। हालांकि जो अपात्रता आमदार की जो सुनवाई है वो आज भी चल रही है, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जा रहा है। फिर से मैं वापस आता हूं और इस चर्चा की शुरुआत के लिए मेरे साथ में है मनीष और मैं हूं रत्नाकर। आपका इस चर्चा सत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार अनुषा। मनीष, जैसे कि मैं कह रहा था कि ये जो कहानी मैंने सुनाई उसके पीछे की मेरी भूमिका मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति के अगर परिप्रेक्ष्य से अगर हम देखें तो सत्ता पक्ष में तीन पक्ष हैं, वही विरोधी पक्ष में भी तीन पक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये जो सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, उसमें समन्वय का अभाव हमें देखने को मिला है? बात की जाए शीतकालीन सत्र की, तो सबसे पहले एक बात मैं यहाँ विश्लेषित करना चाहूँगा कि ये जो शीत सत्र है, इस समय का शीत सत्र 2023 का जो शीत सत्र है, वो चार चतुर्सूत्रियों पर खेला जा रहा है। पहला तो है विपक्ष, सत्ता पक्ष, आंदोलक और ट्विस्ट। ट्विस्ट इसलिए क्योंकि सियासत में इन 2.5 सालों में इतना ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि कई पक्ष टूटे हैं, कई पार्टियां टूटी है, कहीं जाकर मिले हैं, इस प्रकार से। सबसे पहले बात की जाए विपक्ष की भूमिका की, तो सबसे पहले ही जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी की धुआंधार एंट्री हुई है, गले में संतरे की माला पहनकर उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, पहले दिन की जो शुरुआत हुई, हाँ। तो स्वागत जो है सत्ता पक्ष का, विरोधी पक्ष ने गले में कपास और संतरे की, सड़े हुए संतरे की माला डालकर ही की। सड़े हुए संतरों की माला डालने का उद्देश्य एक ही था उनके हिसाब से देखा जाए, उनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, और पत्रकार के साथ मैं एक सामान्य व्यक्ति भी हूँ, सामान्य नागरिक भी हूँ, तो एक ही दिखाना था कि जिस प्रकार से 8 दिनों के अंतराल में, 8 दिनों के कार्यकाल में जिस प्रकार से धुआंधार बारिश हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, उसमें किसानों का भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, तो पहले ही दिन संतरा को टारगेट किया गया महाविकास आघाड़ी द्वारा, विपक्ष द्वारा, जो कि काफी सशक्त था। और नारेबाजी भी की गई विरोध में, नारेबाजी की गई किसान विरोधी ये सरकार है ऐसा भी यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया, जिसके बाद की सदन की कार्यवाही पहले दिन की उतनी खास नहीं रही। लेकिन बात दूसरे दिन की जाए तो आज भी कपास दूसरे दिन के इसमें भी दूसरे दिन के किसानों का मुद्दा जो है वो छाया रहा वहां पर, उसी को पहले दिन की बात को आगे बढ़ाते हुए किसानों के मुद्दे को लेकर ही विपक्ष ने जोरदार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जोरदार अपना विरोध सत्ता पक्ष के मतलब सरकार के विरोध में अपना जो है पक्ष रखने की कोशिश। कपास की माला पहनकर जो है विरोध दूसरे दिन किया गया। बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने भी भारी मात्रा में जो है आंदोलन के जरिए जो है विरोधी पार्टी को, महाविकास आघाड़ी को जो है टारगेट करने का जो है प्रयास किया है। जैसे कि आप अभी जो मुद्दा उठ रहा है प्रियांक खड़गे का, कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रियांक खड़गे, जिन्होंने की स्वतंत्र वीर सावरकर के विरोध में विवादास्पद जो है टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के विरोध जिसके विरोध में जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले के साथ में और उनके सहकारियों ने जो है आंदोलन किया, मतलब अपना जो है एक गुस्सा उनके प्रति, जो असंतोष, उनका पुतला भी जलाया गया, जिससे कि असंतोष, तो ये देखा गया है कि इस शीतकालीन सत्र में जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी विपक्ष जिस प्रकार से आक्रामक है, उसी प्रकार से जो है बोल सकते हैं सत्ता पक्ष भी आक्रामक है। और इसका बात की जाए वर्कआउट के पहले जिस प्रकार से कैरेटिन लिया जाता है, इसका कैरेटिन है 3 राज्यों में जो है शानदार जीत जो हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कॉन्फिडेंस उनमें है कि कहीं ना कहीं हम जनता के मन में छाए हुए हैं, और कुछ समय बाद आगामी समय में जो है विधानसभा लोकसभा के भी चुनाव है, जिसके चलते जो है ये शीतकालीन सत्र इस प्रकार से जो है पूरा डिजाइन किया गया है ताकि जनता भी खुश रहे। सत्ता पक्ष की ओर से जो है पूरा डिजाइन किया गया है, साथ ही साथ विपक्ष भी बोल सकते हैं सभी मुद्दों पर जो है उठाया गया है। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर अभी तक इतनी जो बहुल मात्रा में चर्चा नहीं हुई है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर भी कल जो है गोर और बंजारा समाज का एक जो है
एक मामला आ गया था हाँ, जबकि उनका मोर्चा भी विधान हाँ, भवन पर आया था। तो उसी मामले में जो है नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार के उन्होंने पत्र परिषद आयोजित की गई, उसका मुद्दा यही था कि जो है गोर बंजारा समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जो है ज्ञापन नहीं लिया गया। उनका कहना है कि विधान भवन की जो है गाड़ी में, विधान भवन की वैन में उन्हें लेकर ले जाया गया वहाँ, लेकिन वहाँ किसी ने भी उनसे बात नहीं की या किसी ने भी जो है उचित संज्ञान नहीं लिया। और यही मुद्दा उठाया नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने, और जिसके चलते जो है कल पत्र परिषद में इसका जिक्र भी किया गया। तो देख सकते हैं काफी बड़ी मात्रा में जो है ये जो स्थिति है शीतकालीन सत्र की काफी आक्रामक दिन ब दिन होते जा रही है। लेकिन बात एक ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से शीतकालीन सत्र जिस संविधान द्वारा विधि द्वारा निर्मित किया गया कि जिस प्रकार से जो है जनता के मुद्दे उठाए जाए, लेकिन एक बार जो देखा जाए सभा त्याग, ये जो शब्द है सदन त्याग सभा त्याग, ये जो शब्द है ये काफी मात्रा में जो है आगे आ रहा है, कहीं ना कहीं खुद की राजनीतिक विपाशा भी इसकी उपयोग जो है बड़े तादाद में किया जा किया रहा है, जा जो रहा कि संवैधानिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं ये छेद देता है, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट जरूर डालता है। कल भी कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मुद्दे को लेकर सभा त्याग किया है, और साथ ही साथ बात की जाए जो की परंपरा रही है विपक्ष की, पहले ही दिन जो है चाय पानी का जो कार्यक्रम होता है उसका भी जो है विपक्ष ने बहिष्कार किया, जिसके बाद से ही ये परंपरा जो चलती आ रही है पहले दिन भी वही दिखाई दिया। धुआंधार विरोध के साथ ही जो है इस विपक्ष का, विपक्ष ने जो है सत्ता पक्ष का स्वागत किया। बात करते हैं अब कांग्रेस के ट्विस्ट के बारे में जी। तो जो है कल नाना पटोले के समर्थन में बोल सकते हैं जो है युवा कांग्रेस का जो मोर्चा निकला था उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नाना पटोले जी और केदार जी वगैरह जो श्रीनिवासन थे वहाँ, बाला साहेब थोरात थे, सभी जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो है नेता भी थे, कार्यकर्ता भी थे, पदाधिकारी भी थे। और इसी बीच जो है विवाद इतना भड़का कि आखिर नाना पटोले और उनके 50-60 कार्यकर्ताओं को पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ा जी। उन्हें हम दर्शकों को बता दे और सारे प्रसार माध्यमों भी इसकी चर्चा हो रही है कि उन्हें उठाकर पुलिस वैन में डाला गया, उनके 25-50 कार्यकर्ताओं के साथ में उनकी गिरफ्तारियां हुई क्योंकि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़कर नारेबाजी की और कहीं ना कहीं वो माहौल जो है वो आपे से बाहर होता देख पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अभी ये उचित या अनुचित हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये अधिवेशन के चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं जिसमें विरोधकों का या आवाज बंद करने के हिसाब से कही है ये जो भी है इस तरह की कार्यवाही वहां पर हुई है। बरहार बात करते ट्विस्ट की जो है सियासत में सबसे बड़ा ट्विस्ट था नवाब मलिक जिनको की है देशद्रोह के विरोध में, देशद्रोह के मामले में जो है वो गिरफ्तार थे और जिसके बाद की ईडी के भी कुछ मामले थे उनपे। सवाल यही था कि ये राष्ट्रवादी के कौन से गुट में जाकर बैठेंगे जी, शरद पवार गुट या अजीत पवार गुट जी, और उन्होंने भी इसका छुपा जवाब दे दिया कि वह सत्ता पक्ष में है, अजीत पवार गुट में है। बगैर बोले उन्होंने बगैर बोले सत्ता पक्ष के स्थान पर आखिरी बेंच पर जाके पहले दिन नवाब मलिक जब सदन में आए तो वे सत्ता पक्ष के आखिरी बेंच पर बैठ गए। तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अजीत पवार गुट में ही जो है मलिक जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, और उसके बाद में जो ट्विस्ट की आप बात करें मैं चाहूंगा मेरे साथी बताएं। दूसरा ट्विस्ट जो आया है जाके जो है विपक्ष में तो उसका हंगामा हुआ ही, लेकिन सत्ता पक्ष उप मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखा कि जिस पर देशद्रोह का आरोप है वो महायुति का भाग नहीं हो सकता, सरस्वती अधिकार आपके हैं लेकिन आपने भी सोचना चाहिए कि महायुति के जो नाते हैं रिश्ते हैं वहाँ जो है ये यदि ऐसे देशद्रोही या देशद्रोह का आरोप जिस नेता पर है, जिस विधायक पर है, ऐसा ये जो है पार्ट नहीं होना चाहिए। यदि वो सदोष मुक्तता उनकी होती है तो यकीनन हम जो है महायुति का पार्ट उन्हें बनाएंगे। यही काफी बड़ा जो है ट्विस्ट की जो है बात कर सकते हैं, और इतने अधिवेशनों में देखा जाए तो सबसे जो है ट्विस्टेड अधिवेशन बोल सकते हैं, काफी बड़ा ट्विस्ट इस शीतकालीन सत्र में हमें देखने को मिल रहा है। वैसे भी अगर हम बात करें मनीष, तो महाराष्ट्र के राजनीति में गए 1.5 साल में इतने सारे ट्विस्ट आए हैं कि ये सारी चीजें जो है अब जैसे एक हम अंदाजा लगा सकते थे कि 2 दिन की कार्यवाही के बाद सोमवार से लेकर जो 20 तारीख तक सदन की कार्यवाही होनी है उसमें क्या क्या होगा, लेकिन आज हम स्थिति में बिल्कुल नहीं है कि हम कोई प्रेडिक्शन करें, क्योंकि जो ट्विस्ट की आप बात कर रहे हैं ये ट्विस्ट किस हद तक आगे बढ़ेगा और कल क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में आज कोई भी अटकलें लगाना पॉसिबल नहीं होता। हम फिर वो वहां पर वापस जाएंगे, और ये जो हम जो ट्विस्ट हुए हैं ये इसी का नतीजा जो मैंने पहले कहानी बताई थी
कि ना तो विपक्ष एकजुट है इस स्थिति में, ना ही सत्ता पक्ष उस पैमाने पर एकजुट है कि कोई ठोस बात जो कर सके, चाहे वो फिर आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की बात हो। किसानों की बात को लेकर भी सत्ता पक्ष पर तुरंत आरोप लगाया गया। पहले दिन सदन की कार्यवाही होने के बाद में उप मुख्यमंत्रीगण दौरा करने के लिए गए मऊदा तालुका में। उन्होंने जो है वहां पर खेती का निरीक्षण किया, नुकसान की उन्होंने वहां पर समीक्षा की, जिस पर विरोधी पक्ष ने कहा कि ये कोई बात नहीं होती है, इतने नुकसान के लिए आप 4 कदम 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं और ये 2-4 खेतों का निरीक्षण करके वापस आते हो, इस पर जो है ये कोई भी जो है कार्रवाई की आप संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। आपको ठोस कदम उठाने चाहिए, किसानों के प्रति एक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सरसकट उन्हें जो है उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए जो इस मुश्किल दौर के से गुजर रहे हैं। फोटोशूट का भी आरोप लगाया है नेता प्रतिपक्ष अमरदास दानवे ने। उन्होंने यही बोला कि सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और वहाँ सिर्फ फोटोशूट करके आए। लेकिन देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अब किसी भी पत्रकार के रूप में या नागरिक के रूप में हम बोल नहीं सकते उचित है अनुचित है, लेकिन जिस प्रकार से जो है शीतकालीन सत्र की जो है ये जो कार्यवाही चल रही है वही एक ही दिख रहा है कि आरक्षण का मुद्दा देख सकते हैं। अब कल अभी मंडे से जो है सोमवार से भी अब 20 तारीख तक जो है ये सदन की कार्यवाही चलेंगी, वहाँ देखते हैं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा, मराठाओं का ही नहीं सिर्फ, मुस्लिम है, लिंगायत है, बंजारा है और काफ़ी जो समाज है, इनके आरक्षण का जो मुद्दा है उठा हुआ है। और देखा जाए तो एक स्थिति मराठा बनाम ओबीसी, ये भी स्थिति यहाँ सुनिश्चित हो रही है और दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। सही बात है कि जो आरक्षण की हम बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर कोई भी सकारात्मक या ठोस कदम उठाने की स्थिति में क्या सरकार है, या सरकार ने इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड क्या स्टडी करके रखी है, क्या अभ्यास उन्होंने करके रखा है और क्या कोई ठोस घोषणा इस वक्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में विरोधी पक्ष भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष की ओर पर प्रहार जरूर करेगा और उस प्रहार का प्रति जवाब किस तरह से सत्ता पक्ष देगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इन विषय के माध्यम से हम पल पल की खबर अधिवेशन की महाराष्ट्र सदन की आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। फिलहाल हम चाहेंगे इजाजत, ऐसी और चर्चा के लिए फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।